question, Nico. Question is, suppose this is a planet. Of radius r. This is center of planet. This distance is 5 r. V naught theta. ये किया हमने? नहीं किया. एक projectile को v naught velocity से theta angle पर हमने project किया. मैं ये चाहता हूँ कि जब ये projectile जाए तो इस प्लैनेट की सरफेस से ग्रेजिंगली मूव करे, एकदम सरफेस को टच करता हुआ. तो आपको ये बताना है कि अगर इसका आर रेडियस है, ये 5 r है, ये एंगल थीटा है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा. वी नॉट है, वी ऑर्बिटल नहीं है, बस किसी भी वेलोसिटी वी नॉट से प्रोजेक्ट किया और मैं ये चाहता हूं कि सरफेस को टच करता हुआ आगे निकल जाए. नहीं, मैक्सिमम हाइट. ओके, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला इसमें लगेगा कैसे? प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला बहुत दूर है यार, आर बहुत बड़ा होता है और 5 r इज वेरी वेरी लार्ज, तो जी चेंज हो जाएगा. तो आप सोच भी नहीं सकते कि नॉर्मल फॉर्मूला काइनेमेटिक्स के प्रोजेक्टाइल के इसमें लगेंगे, भी नहीं लगा सकते. तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ती है, या आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं ग्रेविटेशनल में, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, या तो एंगुलर मोमेंटम होते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन होती है. बीच में काइनेमेटिक्स बिल्कुल ही मत लगा देना. तो इसके अंदर बेसिकली करना क्या है, मान लो यहाँ आते 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 इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी. वेलोसिटी तो चेंज हो गई, ये तो वैसे ही है जैसे प्लैनेट के आसपास कोई सैटेलाइट घूमना चाहती है, तो जब घूमेगी तो वेलोसिटी को तो चेंज करेगी. तो मान लो वी नॉट से चली थी और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, वी. और हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जिस पॉइंट, दो पॉइंट्स पे वेलोसिटीज, और वी मुझे मालूम नहीं है, वी मैं निकालूंगा पहले. तो ऐसे केस में ए एंड बी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रखना होता है, कॉन्स्टेंट. लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो इस वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट, वी नॉट कॉस थीटा और मोमेंटम इज एम वी नॉट, और यहाँ पर एम वी नॉट इन टू साइन ऑफ थीटा. तो जब ये चला था तो इसके लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट. ठीक, तो कोई बताएगा कि ए पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कितना है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. लीनियर मोमेंटम में क्या लेंगे और एक्सिस में ये डिस्टेंस कितना लेंगे? तो ये नहीं लेंगे एम वी नॉट कॉस थीटा, बिकॉज वो एक्सिस के साथ है. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी नॉट इंटू साइन थीटा इंटू कितना डिस्टेंस, 5 r. तो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इंटू पी. ठीक, और मस्ट बी इक्वल टू, यहां पर मोमेंटम कितना है, m इंटू वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर कितना है इसमें, r. तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या लगेगा, एम वी इंटू आर, एम वी इंटू आर, एम वी इंटू आर, सेंटर को एक्सेस मानते हुए, सेंटर पॉइंट के अबाउट. तो यहां से एम कैंसल, आर से आर कैंसल, वी की वैल्यू सबसे पहले आ गई 5 v0 इंटू साइन थीटा. ये वी की वैल्यू आ गई आपके पास. अब आपको क्या करना है, ए एंड बी पॉइंट पर ही एनर्जी को क्या करना है, कांस्टेंट. तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी. प्लैनेट का मास मान लो कैपिटल एम है और बॉडी का स्मॉल एम है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 r. तो पहले पोटेंशियल इतनी है और काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर. और फिर बाद में टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई कितना, आर, क्योंकि आर डिस्टेंस रह जाएगा. और काइनेटिक कितनी है, हाफ इंटू एम वी. इस वी को उठा के यहाँ पुट करेंगे और फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे. लंबी कैलकुलेशन है बट मेथड समझ में आ रहा है आपको. तो जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/5 अंडर रूट ऑफ 1+8 जी एम 5 v0 स्क्वायर बाय आर. जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा. तो यहां से दिस इज द आंसर. पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन करना कैसे है. तो ये फिर से एक वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे हम लास्ट टाइम कर ही रहे थे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, सॉरी, एंड एनर्जी कंजर्वेशन से.
जीरो ओके क्वेश्चन देखो जरा इसका आंसर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज एक प्लैनेट है, देयर इज अ प्लैनेट और आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी निकालना है. रादर स्मॉल जी की बजाय हम डेंसिटी निकालेंगे. देखो कैसे, मान लो ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट का कुछ हिस्सा कितना आर रेडियस तक इसकी डेंसिटी है रो वन और इसका रेडियस आउटर रेडियस 2r है, बाहर की डेंसिटी कितनी है रूट टू. तो ये प्लैनेट दो मटेरियल से बना हुआ है, पूरा प्लैनेट है 2r रेडियस का, आधा मटेरियल बना हुआ है रो वन से, उसके बाहर का मटेरियल बना हुआ है रो टू से. तो दो मटेरियल्स हो गए रो वन एंड रो टू. नेक्स्ट इसके अंदर आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें ये गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप जी बोलते हैं, ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर. मतलब यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो कह रहे हैं यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड सेम है. तो आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी की रेशियो निकालनी है, दोनों की डेंसिटी की रेशियो क्या होगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी एम बाई आर का बैठ दो पीछे. सेवन इज टू थ्री आंसर है. मैं इसका इनसाइड का मास m1 मान लेता हूँ और बाहर वाले इस पोर्शन का मास m2 मान लेता हूँ ताकि टोटल मास ऑफ द प्लैनेट m1 प्लस m2 हो जाए. ठीक, m1 प्लस m2. तो सबसे पहले अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट
अगर हम सरफेस निकाल लें, सरफेस के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू जी, फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर जी एम, एम क्या लेंगे पूरे प्लैनेट का, एम वन प्लस एम टू, टोटल मास ऑफ द प्लैनेट होता है ना, तो अंदर कुछ भी हो टोटल मास तो एम वन प्लस एम टू रहेगा डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है टोटल प्लैनेट का, टू आर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक? तो सरफेस के ऊपर फॉर्मूला समझ में आया, स्मॉल जी का जी इंटू टोटल मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, या फिर जी इंटू मास को एम वन को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी है रो वन, अंदर वाला जो मास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्लियर है, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो वन, बाहर वाले का मास क्या आएगा, वॉल्यूम कितना है फोर बाय थ्री पाई टू आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब। ये देखो ये शेडेड वॉल्यूम क्या आएगा, शेडेड वॉल्यूम आएगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, और इनटू इसकी डेंसिटी कितनी है रो टू डिवाइडेड बाय टू आर का स्क्वायर। ये मैंने निकाला एम वन प्लस एम टू में, एम वन डेंसिटी की फॉर्म में, एम वन का मास ये है इसकी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर एम टू का मतलब है ये वाला मास, तो इसका वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो टू, एम वन एम टू पुट किए, अलग अलग डेंसिटी है ना एम रो, आप ले लो एम, फिर कंपेयर करते हुए जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपका एम नहीं कटेगा। मैं दो मिनट देख लेते हैं, मैं सेकंड, मुझे सेकंड, यहाँ पे सरफेस ऑफ प्लैनेट, ये थोड़ा ना, ये तो अंदर है प्लैनेट के अंदर, यही है ना प्लैनेट का सरफेस, तो यहाँ निकाला जी एट सरफेस। अब इमेजिन प्लीज़, इसे ये ना इमेजिन करिए, ये भी प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है, ये प्लीज़ एक प्लैनेट है, अंदर ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है ये एक ही प्लैनेट, तो रेडियस इसका 2r ही रहेगा। मैं इसलिए m1 m2 ले रहा हूँ क्योंकि दो डेंसिटीज बनी हुई हैं, तो दो डेंसिटीज की फॉर्म में मेरे को आंसर निकालना होगा, तो मुझे m1 m2 अलग अलग लेना पड़ेगा, अगर एक ही डेंसिटी होती फिर मैं m ले लेता टोटल। ठीक है यहाँ तक, ये पॉइंट सबको क्लियर है, 7/3। अब g एट डिस्टेंस ऑफ इस पॉइंट पर, g एट कैपिटल R डिस्टेंस पे, हमने ये डिस्कस किया हुआ है, जब हम जी निकालते हैं तो हम सिर्फ अंदर का मास लेते हैं, हम बाहर का मास नहीं लेते। बहुत लोगों ने पूछा सर कैसे होता है, क्यों होता है, आज मैं इसको इसके प्रूफ करेंगे, जिसमें आपको ऐसा समझाऊंगा, इसे एक सिंपल तरीका है समझाने का इसमें, कि आप ये मानो कि ये स्फेयर बहुत सारे शेल से बना हुआ है, ये जो स्फेयर है बहुत सारे कंसेंट्रिक शेल से बना हुआ है, और शेल के इनसाइड ई क्या होता है, जीरो। तो अगर कोई शेल इसके बाहर चला गया तो वो पॉइंट इसके अंदर हो गया, मीन उस शेल के इनसाइड हो गया, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसके आउटर शेल के अंदर ये पॉइंट है वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन जो शेल्स इसके अंदर होंगे उसके लिए ये पॉइंट बाहर है तो वो तो कंट्रीब्यूट करेगा। ये सबसे आसान तरीके प्लस वन समझाने का, कि अगर आप शेल का रिजल्ट लगाते हो कि शेल के इनसाइड ई जीरो होता है, तो अगर आपने यहां पर इस पोर्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर देखना ई का, तो ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि जो शेल यहां लिया जाएगा उसके इनसाइड ये पॉइंट आ जाएगा, और किसी भी शेल के इनसाइड ई नहीं एग्जिस्ट करता। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक। पर इन एनी केस हमने यहां पर जी निकालना है, मैं जी को ई से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर जो जी एट डिस्टेंस ऑफ आर आएगा कैपिटल जी, मास सिर्फ और सिर्फ एम वन का लेंगे, क्योंकि हमने जी इसके ऊपर निकालना है तो इसके बाहर का मास नहीं लेना, सिर्फ इसके यही पोर्शन का मास लेना जो इसके इनसाइड इनसाइड लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसका आर का स्क्वायर। तो जी मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। पर हमें यह गिवन है सरफेस के ऊपर और रेडियस आर के ऊपर जी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो इन्हें इक्वेट कर लें, इक्वेट करके रो वन एंड रो टू निकाल लें, कितना आ रहा है 7:3, इसको सॉल्व कर लेना 7:3 आंसर आ जाएगा। बट आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट करना है आपने जी। कोई डाउट इसमें? इसका ये वाला माइनस क्यों किया वॉल्यूम में? एम टू मास सिर्फ इतने पोर्शन का मास है बस,
तो ये पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम माइनस ये वाला वॉल्यूम, तो माइनस करना पड़ेगा दो वॉल्यूम को। डिनोमिनेटर में प्लैनेट के यहां जी निकल रहा है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस तो 2R है ना, यहां तक का आ रहा है, यहां का एक्स्ट्रा आ रहा है, तो टोटल तो 2R है ना, और रेडियस आउटर का 2R है, तो 2R लेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में, लेकिन वो पूछे कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ, आंसर देना। ठीक, मतलब ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, मैं बड़े आराम से पूछ रहा हूँ ये M1 है, ये M2 है, यहाँ निकालो वहाँ निकालो, तो क्वेश्चन पढ़ना भी तो एक टेक्निक है ना फिजिक्स में। तो मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ताकि आप इसको एक बार ट्राई करो। अ नॉन होमोजीनियस स्फीयर, ऐसे आएगा अ नॉन होमोजीनियस स्फीयर, तो ये समझ लेना चाहिए कि डेंसिटी वेरी करेगी। तो देयर इज अ नॉन होमोजीनियस स्फीयर एंड गिवन डी इज इक्वल टू डी नॉट व्हेन R is less than equal to a by 3 and D is equal to D naught by 2 when R greater than a by 3 less than equal to a, where मैं क्वेश्चन पूरा कर रहा हूं एक मिनट, अब जैसे चल रहा सीक्वेंस में, तो where R is the distance of point फ्रॉम सेंटर ऑफ sphere एंड डी इज दी डेंसिटी, डी डेंसिटी है, एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड ई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए बाई टू। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दो मिनट प्लीज इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो, डायग्राम बनाओ, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी आपने किया था, पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, इसका आंसर बोलो क्या होगा। R is equal to a by 2 कोई डिस्टेंस है, a by 2 फ्रॉम सेंटर, एट a by 2 का मतलब है दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर, सर सॉलिड स्फीयर है, नॉन होमोजीनियस मटेरियल का बना होगा तभी नॉन होमोजीनियस बोला, खाली होगा तो नॉन होमोजीनियस कहाँ से होगा, सॉलिड स्फीयर है। हाँ तो डेंसिटी वेरी कर रही है, आप जो तो डायग्राम नहीं बनाओगे ना फायदा ही नहीं है। हाँ बना लिया, ठीक है, तो पहले आप प्लीज इसका एक स्फीयर तो बनाओ, ये स्फीयर है, बन गया। फिर स्टेटमेंट पढ़ो, उसने कहा कि अगर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का a बाय 3 से कम है, चलो सेंटर से ये डिस्टेंस सपोज हम कितना ले लेते हैं, a बाय 3 ले लेते हैं, a बाय 3, ठीक है, यहां तक सेंटर से यहां तक का मतलब कोई भी ये जो पोर्शन आएगा, इधर जाओ जहां मर्जी जाओ, तो डेंसिटी कितनी लेनी है, डी नॉट लेनी है, तो अंदर वाले पोर्शन की डेंसिटी डी नॉट है। लेकिन अगर आप a बाय 3 से बड़ा और a से छोटा, a बाई 3 से बड़ा और a से छोटा, डेंसिटी कितनी लेनी है, d नॉट बाई 2 लेनी है। अब डायग्राम समझ में आ रहा है, तो इस पोर्शन की डेंसिटी कितनी है, d नॉट है, इस बाहर वाले पोर्शन की डेंसिटी कितनी है, d नॉट बाई 2 है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई d नॉट एंड d नॉट बाई 2। ठीक, नेक्स्ट आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें जो e निकालना है ना,
वो ई आपको कहाँ निकालना है, एट ए बाई टू। ए बाई थ्री से बड़ा होता है ए बाई टू की छोटा होता है, बड़ा होता है। तो एक काम करते हैं हम कुछ ए बाई टू ले लेते हैं, ए बाई टू मुझे ई यहाँ निकालना है। ये डायग्राम सबको समझ में आया, मुझे डिस्टेंस ए बाई टू पे ई निकालना है। तो एक काम करें इमेजिनरी यहाँ पर भी ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, देखो डॉटेड जहाँ मर्जी, क्योंकि ए बाई टू डिस्टेंस दूर आप सेंटर से यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ मर्जी आ सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या निकालना चाहते हो, ई निकालना चाहते हो, कोई डाउट इसमें? अब इस पॉइंट के बाहर ये जो मास है, इधर देख लो, इस पॉइंट के जो बाहर मास है ये मैटर नहीं करेगा, अभी डिस्कस किया, बिकॉज वो ई में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। तो कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जहां आप खड़े हो उसके अंदर वाला मास। तो इट मीन्स यहां पर जो जी ई की वैल्यू होगी, ई की जी इन टू, अब फिर से काम करें, इसका मास इनसाइड का एम वन ले लें और ये वाला शेडेड मास एम टू ले लें। ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, एम टू कौन सा लिया मैंने, अंदर वाला एम वन ले लिया और ये वाला शेडेड वाला एम टू, ये मैंने लेना नहीं, बस इतना लेना है, ठीक। तो यानी कि जी इन टू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई इस पोर्शन का जहां आप ई निकाल रहे हो, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है ए बाई टू, तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए बाई टू का होल स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है सबको, पॉइंट समझ में आ रहा है? बाहर वाला इसलिए नहीं लेना क्योंकि आप क्या करते हो, जब आप एक स्फीयर लेते हो, पूरा सॉलिड स्फीयर है, और आप यहां ई निकालना चाहते हो या जी निकालना चाहते हो, तो ये स्फीयर बना होता है शेल से, बहुत सारे शेल्स हैं, ठीक। जब तक शेल इसके इनसाइड है तो ये पॉइंट बाहर रहेगा, ई में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अगर आपने शेल इसके बाहर ले लिया कोई भी, तो उस ये पॉइंट उसके अंदर आ गया, उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, उसका जीरो। तो जितने शेल्स बाहर होंगे उनका कंट्रीब्यूशन जीरो, तो फिर बाहर का नहीं लेना, सिर्फ अंदर का लेना है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये पॉइंट क्लियर है। अब मासेस पुट कर दें, मासेस के अंदर ई इज इक्वल टू जी बाई ए बाई टू का होल स्क्वायर। एम वन मास बोलो क्या होगा, वॉल्यूम बोलो, इस रेड कलर का रेडियस कितना है ए बाई थ्री, फोर बाई थ्री इंटू पाई इंटू ए बाई थ्री का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब, वॉल्यूम आ गया, इंटू इस पोर्शन की डेंसिटी कितनी है डी नॉट है। तो एम वन आ गया, एम वन का मतलब है अंदर वाले पोर्शन का मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम बोले 4 by 3 pi into इसका आउटर रेडियस कितना है a by 2 का क्यूब माइनस a by 3 का क्यूब। ये देख लो एक बार, आपको इस शेडेड का वॉल्यूम निकालना है तो आउटर वॉल्यूम कितना है 4 by 3 pi into a by 2 का क्यूब माइनस 4 by 3 pi a by 3 का क्यूब into इसकी डेंसिटी कितनी है d नॉट by 2 डिवाइडेड, बस हो गया, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, बस यही आंसर है इसका, सिंप्लीफाई कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है सबको कि कैसे इनसाइड आएगा, ठीक। और क्वेश्चन कंपटीशन में गारंटेड सॉलिड स्फीयर के अंदर आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया था, और लग भी रहा है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर ही आएगा। शेल में क्या पूछ लेगा, शेल में तो होता है ई जीरो है, क्या पूछेगा बाहर, क्या पूछेगा, फॉर्मूला ही सिंपल है जीएम बाई आर का स्क्वायर, बात ही खत्म हो गई, पूछेगा ही अंदर। और दो दो तीन, और अभी तो ये क्वेश्चन है, अभी डेंसिटी का फंक्शन भी बना सकता है। डेंसिटी का फंक्शन का मतलब क्या होता है, डेंसिटी वेरीज एज आर, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, आपको क्या करनी पड़ेगी इसकी इंटीग्रेशन, फिर g इनटू dm लेना पड़ेगा ना, आपको शेल लेना पड़ेगा, मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, शेल का मास लेंगे फिर उसकी डेंसिटी पुट करके उसे इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज अर्थ, अर्थ एंड देयर इज अ टनल अलोंग कॉर्ड, एक टनल डिग कर दिया आपने कॉर्ड के अलोंग, एंड दिस इज सेंटर सी, ये टनल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू फ्रॉम सेंटर, इट इज गिवन, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम गिवन, वॉल ऑफ टनल इज फ्रिक्शनलेस,
ठीक, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, तो यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड फोर्स एग्जर्टेड बाय वॉल ऑन पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सेंटर ऑफ टनल. तो ये क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ टनल से कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, m आपने यहां से इसको ड्रॉप किया होगा और वो सेंटर की तरफ जा रहा होगा. देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक टनल डिग करते हो कॉर्ड के, देखो अगर सेंटर के लॉन्ग करते हो फिर तो कहानी खत्म है, सेंटर के लॉन्ग प्रॉब्लम में कुछ नहीं है. सेंटर के लॉन्ग क्या होता है, आप ड्रॉप कर दो बॉल को, सेंटर एग्जैक्टली टनल के बीच में लाई करेगा, उसको खींच लेगा, सेंटर की तरफ बॉल जाएगी, उसको क्रॉस कर जाएगी, लेकिन फिर बाहर की तरफ नहीं आ पाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि सेंटर ऊपर रहेगा और सेंटर उसे खींचेगा तो वापस ऊपर आ जाएगी. तो मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन एसएचएम के अंदर बहुत हेल्प करेंगे आपको, जब हम एंड चैप्टर करेंगे उसके ऊपर आधा क्वेश्चन यहाँ पर है, आधा एसएचएम में मिलेगा आपको सेम क्वेश्चन. मैं फिर से ग्रेविटेशन करवाऊंगा उसके अंदर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे. तो उसमें अगर टनल ऐसे डिक की जाती है तो मैंने बताया अगर बॉल ऐसे ड्रॉप करेंगे तो सेंटर की तरफ जाएगी लेकिन उसको क्रॉस कर जाएगी और सेंटर ऊपर रह गया तो अर्थ सेंटर, अर्थ का सेंटर ही खींचता है बॉल को, फिर ये फिर ऊपर आएगी, इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी और ये पीरियोडिकली ऊपर नीचे मूव करती रहेगी. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होते हैं वो बेसिकली पीरियोडिक मोशन होते हैं, पीरियोडिक, तो टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं. तो ये प्रॉब्लम उसमें आती है और ये प्रॉब्लम भी उसमें आती है. फिर सेकंड क्वेश्चन उसमें आता है कि टनल डिग कर दिया और टनल में बॉल को ड्रॉप किया, बॉल यहाँ यहाँ आती हुई, जाना तो सेंटर की तरफ जाती है क्योंकि सेंटर उसे खींच रहा है, पर प्रॉब्लम है कि जा नहीं पा रही, रास्ता तो है नहीं, तो दीवार से लग लग के आगे की तरफ आने की कोशिश करेगी. इसकी जर्नी कैसे होगी, ये यहाँ से यहाँ आएगी और क्योंकि सेंटर नीचे की तरफ खींच रहा है तो आगे की फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाती है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर रुकना चाहिए पर इनर्शिया की वजह से वो थोड़ी आगे चली जाती है, फिर सेंटर से यहाँ खींचता है. तो प्रूव करो कि ये भी पीरियोडिक मोशन है इसके अबाउट, हम ये करेंगे उसमें, बट अभी आधा पार्ट करना है तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा. सिर्फ ये बता दो सेंटर से खींच रहे, मैं बार बार हाथ को ऐसे बना रहा हूँ ये बताते हुए कि फोर्स प्लीज ऐसे लेना, किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स ऐसे लेना, सेंटर खींच रहे हैं, फोर्स के बनेंगे दो कॉम्पोनेंट, तो एक इस तरफ और एक नीचे, समझ आ रहा है यहां तक, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा. तो आपको ये बताना है जो डाउनवर्ड होगा वो टनल के ऊपर फोर्स होगी बॉल की, तो टनल ने भी कितनी फोर्स लगानी है जितना डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट होगा, वही आंसर होगा, बोलो. हाँ, तो एक्स डिस्टेंस की फॉर्म में निकालना है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकलेगा ना एक्स, ये कह तो रहे कि वेन एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स कैन बी वेरिएबल. ठीक, तो आपको ये तो डिस्टेंस पता लग ही गया ना, ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर बाय टू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. ठीक, नहीं चाहिए, क्या करेगा, हमने फोर्स निकालनी है, सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होता है, तो पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस पता लग गया. और इसका जो आंसर आ रहा है अगर आप चेक करना चाहो तो इसका आंसर आना चाहिए कोई y का स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स आंसर नहीं, वो तो टेढ़ी लगेगी ना, मेरे को तो दीवार के साथ लगानी है टनल, इसकी सरफेस फ्लैट है ना, तो जो आपकी आप बात कर रहे हो ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पुल ले लो. देखो ग्रेविटेशनल पुल में बार बार कह रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पुल ऐसे लगेगा टुवर्ड सेंट, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो ये ग्रेविटी की फोर्स है जो कहाँ लग रही है, एट सेंटर, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस वाई है, वाई, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है इसका, वाई, बड़ी टर्म है ना, छोटा कर लिया इसमें वाई, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमें वाई पता लग गया. अभी आपने अभी किया तो सॉल्व कि अगर अर्थ गिवन हो और आपको ये पता लग जाए कि आपका डिस्टेंस सेंटर से कितना है वाई, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको. तो यहाँ पर आप फोर्स तो निकाल जी निकाल सकते हो, तो मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगी एम जी. ठीक, वो आप कंपोनेंट्स खुद ड्रॉ करेंगे. मेरे कहने का मतलब मैं वाई क्यों निकाल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ताकि मैं यहाँ पर ई की वैल्यू या जी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. स्मॉल एम है,
हाँ फोर्स के अंदर तो लगेगा ना, एफ चाहिए, एफ चाहिए मुझे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो एफ एफ की वैल्यू मैं बताता हूँ क्या होगी, ये आपको वेक्टर समझ में आ गया कि एफ लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और एफ कहाँ लगेगा ये भी समझ में आ गया। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। ऐसे करना पड़ेगा, देखो ऐसे करना है। तो सबसे पहले एक मिनट ये देख लें, ये वेक्टर यहाँ ना सोचें कि सेंटर पे बना है, ये वेक्टर तो यार यहीं से शुरू हुआ हुआ है, तो एक्चुअल में यहाँ बनाने की बजाय यहाँ बना लो, एक ही बात है, एफ के दो कॉम्पोनेंट है, एफ ये थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ से थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, सेम डायग्राम बनेगा। तो कहने का मतलब ये जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में ये फोर्स इसी की फोर्स है, तो एफ कॉस थीटा यहाँ लगा रहा है, एफ साइन थीटा से ये आगे की तरफ जा रहा है। तो मेरा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो क्या होगा, एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा मेरा जो आंसर होगा, जो मुझे निकालना है, मेरा जो आंसर होगा विल बी इक्वल टू एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूले में कितने मासेस चाहिए, दो मास चाहिए, जी एक तो पार्टिकल का मास चाहिए मेरे पास है, दूसरा मास अर्थ का चाहिए, पूरी अर्थ का नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल सेंटर से, प्लीज जब आप जी निकालो या फोर्स निकालो सेंटर से सारे डिस्टेंस देखने हैं, ये मत कहना कि टनल से, यहां हमें टनल से कोई लेना देना नहीं। अगर आप सेंटर से वाई डिस्टेंस तक आ चुके हो, वाई डिस्टेंस तक, तो आप इमेजिन करेंगे एक तरीके से कि ये अर्थ है, मैं ऐसे बना रहा हूं, आपका पार्टिकल कहीं यहां आ चुका है, टनल टूनल सब छोड़ो, सेम डायग्राम है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, वाई है, तो आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ ये वाला मास लेना है आपको, फोर्स निकालने के लिए आपको ये मास लेना पड़ेगा और रेडियस वाई। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि क्यों, क्योंकि वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आ चुका है, वाई, समझ में आ रहा है यहां तक। तो मास कितना लेंगे, सिर्फ इनसाइड वाले पोर्शन का लेंगे एम डैश, और ये मास होगा क्या, टोटल अगर मास पूरी अर्थ का इतना है तो मास कितना था एम, अगर वन है तो एम डिवाइडेड बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, और अगर फोर बाई थ्री पाई वाई क्यूब है तो एम डिवाइडेड बाई 4 by 3 पाई आर क्यूब इंटू 4 by 3 पाई वाई क्यूब। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो m by आर क्यूब इंटू वाई क्यूब, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, m डैश की। ठीक, तो अंदर का मास आ गया हमें रिक्वायर्ड है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, जी एम एम डैश बाय डिस्टेंस क्या लेंगे डिनोमिनेटर में, हाँ y लेंगे, क्योंकि y डिस्टेंस पे कैलकुलेशन हो रही है, तो y का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि जब हम अर्थ के अंदर आ जाते हैं सेंटर से वाई डिस्टेंस, तो वही मास लेना है जहां हम अंदर आ चुके हैं, बस अंदर वाला मास, आउटर तो लेना नहीं ना फिर अब, और सेंटर से हम कितने डिस्टेंस अंदर आ चुके हैं, वाई, सेंटर से वाई। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर जी इंटू एम डैश, एम डैश की वैल्यू हमने अभी निकाल ली कितनी, एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू y का क्यूब बाय y का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये कैंसल हो गया, g छोटा m बड़ा m बाय r का क्यूब इंटू y इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बताओ इस ट्राइंगल से क्या होगी, r बाय 2 डिवाइडेड बाय y, तो यहां पर आएगा r बाय 2 डिवाइडेड बाय, चलो ये y भी कैंसल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, g m m r क्यूब r बाय 2, तो 1 बाय 2 g m m और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर आंसर। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है।
नेक्स्ट इज कि आर बाई टू कैसे पता? अच्छा ये आर बाई टू पे ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, वो एक्स तो ऊपर से होता है आर माइनस आर बाई टू। अच्छा आर बाई टू, हाँ अच्छा तो फिर आप यहाँ जी निकालोगे ना उसमें, पर मेरा क्वेश्चन तो है ना यहाँ पे आंसर क्वेश्चन निकालो, वो आंसर तो चाहे कुछ भी आए आंसर आना तो जी एम एम बाई आर में आर स्क्वायर में ही है ना इन दी एंड, तो कि दुनिया का कोई क्वेश्चन कर रहे हो अर्थ के ऊपर वो जी एम एम बाई आर स्क्वायर के ऊपर ही आएगा, वो हाफ आएगा थ्री बाई फोर आएगा, यही तो चेंज होना होता है। नहीं ये गलत मेथड होगा। हाँ ये भी बताना भूल गया कि अगर जैसे थीटा इसमें लेट अस सपोज जीरो हो जाता है तो ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर आएगा तो नीचे का कॉम्पोनेंट एफ कॉस जीरो क्या होगा, एफ पूरी फोर्स नीचे लगेगी, और एफ साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो आगे जाना आगे जाने की फोर्स जीरो हो जाएगी, पर इनर्शिया की वजह से वो आगे चला जाता है। वह हम एस एच एम में करेंगे, पर आज की डेट में आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको अभी, तो जब आएगा तब देखेंगे, बट मैं आपको मैथमेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ क्योंकि जब हम एस एच एम करेंगे उसमें मैं सेम डायग्राम फिर से ड्रॉ करूँगा एक बार। ठीक, तो एस एच एम काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई तो उसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। ठीक, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज सपोज देयर इज अ प्लैनेट, देयर इज अ प्लैनेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर 1/10 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ गिवन। तो साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। ये प्लैनेट है, प्लैनेट है और इसका रेडियस कितना है आर है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो कितना है आर है। क्या पॉइंट क्लियर है? आगे अ साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ डेप्थ आर बाय 5 ऑन इट, इसमें कुआं खोद दिया आर बाय 5 का। ठीक, तो ये रहा एक वेल, और वेल जो है वो कितना कितने डेप्थ पर है आर बाय 5 पे है। ठीक, कुछ भी जस्ट आर बाय 5। ठीक, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 आर बाय 5। ठीक, एक वेल है। ठीक, लिखे यहां तक, वो साइंटिस्ट ने इसमें वेल डक किया एंड लोअर द वायर ऑफ सेम लेंथ, यानी कि देयर इज अ वायर जिसकी लेंथ कितनी है आर बाय, एक तार ली वायर ली एंड उसको लोअर नीचे करना शुरू कर दिया इस वेल में, तार नीचे जाती जा रही है और मैक्सिमम कहां तक जा पाएगी आर बाई फाइव, उसकी लेंथ ही आर बाई फाइव है जितना आपका इसमें वेल है, वेल आर बाई फाइव डेप्थ पे है तो वो वायर भी आर बाई फाइव लेंथ की है तो वहां तक अंदर चली गई। ठीक, अंदर तक चली गई आर बाई फाइव। वायर का लैम्डा आपको गिवन है, वायर का लैम्डा गिवन है कोई 10^-3 के जी पर मीटर। ये लैम्डा क्या होता है वायर का, यूनिट दे के मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है। वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर, वेल को टच नहीं कर रही बिल्कुल भी, बस बिल्कुल हवा में है, उसे पकड़ा हुआ है साइंटिस्ट ने ऊपर वायर को। रेडियस ऑफ अर्थ इस क्वेश्चन में 6×10^6 मीटर लेना है, 6×10^6 मीटर। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन सरफेस के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर की जा सकती है, 9.8 डिग्री अप्रॉक्सिमेटली 10 लेने को बोल रहे हैं। आपको निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय पर्सन ऑन वायर व्हाइल होल्डिंग, उसने तार को पकड़ा हुआ है तो उसमें फोर्स लगाई हुई है उसने,
वो फोर्स कितनी लगाई हुई है ये क्वेश्चन है, ठीक। अगर अर्थ प्लैनेट ये सब कुछ छोड़ दें, ये लो मैंने भी पेन पकड़ा हुआ है, तो मैंने कितनी फोर्स लगाई हुई है, जितना इस पेन का वेट है, वेट है एम जी। तो सेम क्वेश्चन है, वायर के ऊपर फोर्स निकालनी है तो वायर का वेट निकलेगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है फिर, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है क्योंकि जी की वैल्यू हर पॉइंट पर, मास तो चेंज हो ही रहा है, हमने लॉज ऑफ मोशन में मास को तो चेंज करता देखा था, लेकिन यहां पर जी भी चेंज हो रहा है, तो फोर्स हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट लगेगी, क्योंकि वेट कहीं जितना ऊपर पॉइंट होगा उसका वेट ज्यादा होगा, नीचे जाते जाते जी कम होता जाता है, वेट कम होगा एलिमेंट्स का, लेकिन आपको टोटल वेट निकालना है, राइट। हिंट में एक वायर लें, डायग्राम अर्थ का छोड़ दें, प्लेनेट का छोड़ दें, जो वेल है कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ वायर चाहिए। वायर का सेंटर से कोई, सारे क्वेश्चन सेंटर से किए जाते हैं, चाहे उसमें ऊपर से पकड़ी हुई है, सेंटर से कोई एलिमेंट डीएम ले लें, उस डीएम का वेट का मास निकाल लें लैम्डा इंटू जो भी डीएल है, स्मॉल एलिमेंट डीएल और स्मॉल मास डीएम, ठीक, और वहां पर जी निकाल लें, तो डीएम इंटू जी आपके पास वेट आएगा, उसको इंटीग्रेट करें। पहले एलिमेंट डीएम ले, डीएम एलिमेंट सेंटर से ले कहीं पर भी, उस एलिमेंट का मास डीएम है, लेंथ डीएल है, आर डिस्टेंस पे ले लें सेंटर से चाहे, क्योंकि आपको जी की वैल्यू निकालनी इजी हो जाएगी, जी आप निकाल लेंगे किसी भी पॉइंट पर जी डैश, और डीएम आप निकाल लेंगे मास पर यूनिट लेंथ से, तो डीएम इंटू जी डैश आपके पास वेट आएगा स्मॉल, उसको इंटीग्रेट करें। पहले स्मॉल वेट निकालें प्लीज, आर तो इंटीग्रेशन से चला जाएगा ना, फिर लिमिट्स लगाएंगे तो।
देखो इसमें सबसे पहले काम करते हैं, हम इंटरेस्टेड वायर में हैं। इस वायर का डायग्राम अगर अलग से ड्रॉ करें, वायर का डायग्राम, तो ये एक वायर है जो उसने पकड़ी हुई है, जिसकी लेंथ कितनी है, आर बाय फाइव है। ये सेंटर है प्लैनेट का, और ये डिस्टेंस सेंटर से कितना है, फोर आर बाय फाइव। तो बस ये डायग्राम बनता है। मैंने आपको क्या कहा कि आप इसका एक स्मॉल एलिमेंट लें, वो स्मॉल एलिमेंट आप यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं, जिसका मास कितना है, डी एम है, जिसकी लेंथ या ये जो एलिमेंट है वो आपने कितनी दूरी पे लिया सेंटर से, आर पे लिया, ठीक, आर पे लिया। और इसमें इसकी स्मॉल लेंथ कितनी है, डी आर है, आर है तो डी आर है, एल है तो डी एल है, ठीक, तो डी आर है, ठीक है। अगर यहाँ स्मॉल मास डी एम निकाल लें, डी एम इज मास पर यूनिट लेंथ इन टू लेंथ, लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ डेंसिटी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल लेंथ डी आर से। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपके पास डी एम आ गया, ठीक। अच्छा ये बताओ कि अगर अर्थ या कोई भी प्लानट होता है और अगर मैं एक्स डिस्टेंस नीचे आ चुका हूँ उस प्लानट से, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, तो बताओ जी का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं डेप्थ में, वन माइनस, तो जी डैश इक्वल टू जी आर माइनस एक्स बाय आर। लेकिन अगर सेंटर से ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है, तो आप आर माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल आर, क्योंकि हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो ऊपर से लेते हैं एक्स, लेकिन अगर नीचे से आर है तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट इसमें? तो मैं इसके अंदर यही लगाऊं, क्यों, क्योंकि मैंने सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लिया है ये पॉइंट आर पे, तो यहां पर जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी की वैल्यू आएगी स्मॉल जी इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये मेरे पास जी डैश की वैल्यू आ गई इसमें, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर जी डैश की वैल्यू आ गई, और मुझे जो फोर्स निकालनी है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डी एम मास, इसका वेट कितना है, डी एम मास इन टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पर कितनी है, जी डैश है, तो डी एम इंटू जी डैश, कोई डाउट इसमें, ठीक, स्मॉल मास, तो ये डी एफ आएगा, स्मॉल फोर्स। डी एम की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, लैम्डा इंटू डी आर, और जी डैश की जगह क्या पुट करेंगे, जी आर बाय कैपिटल आर। तो डी एफ इज इक्वल टू जी आर लैम्डा कॉन्स्टेंट आर डी आर की इंटीग्रेशन, और टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करें, लिमिट्स बताना प्लीज। फोर आर बाय फाइव से आर तक, बिल्कुल सही, क्योंकि इस रोप का एक हिस्सा यहां से स्टार्ट हो रहा है, और स्मॉल आर की वैल्यू यहां पर लाने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू फोर आर बाय फाइव, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये पॉइंट है जो आखिरी एलिमेंट है वो कैपिटल आर पे होगा, तो लिमिट क्या लगेगी, फोर आर बाय फाइव से लेके आर तक। इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नाइन लैम्डा जी कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 50, दिस इज द आंसर। आर बाय फाइव तो लेंथ नहीं, स्मॉल एलिमेंट देखना होता है, ये एलिमेंट यहां से यहां तक जाएगा, तो ये एलिमेंट जब यहां पर होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू फोर आर बाय फाइव, जब ये एलिमेंट ऊपर जाएगा तो सेंटर से साइड डिस्टेंस लेने हैं, सेंटर से टोटल डिस्टेंस आर हो जाएगा। एक बात तो कंफर्म्ड है, क्वेश्चन जो आएगा वो अर्थ के इनसाइड ही आएगा, बाहर के क्वेश्चन जो शीट्स के अंदर है हम रोज करते हैं,
इजी है, बाहर के क्वेश्चन तो बस चांस की बात है, वो ठीक आ गया तो आ गया, नहीं तो आना सॉलिड स्फेयर के ऊपर ही है। तो जितने क्वेश्चन सॉलिड स्फेयर के देखो वो ज़रूर ट्राई करके जाना, ठीक। जितने भी केसेस हैं या पोटेंशियल पे आएगा या ई पे आएगा, हम अभी जो केस कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, ई पे कर रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, पोटेंशियल्स निकाल लेंगे, ठीक। तब हमने वी पे नहीं किया, अभी हम ई पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन बुक्स में गिवन होता है कि अगर सपोज करो एक स्फेयर है, एक स्फेयर को इस प्लेन ने कट कर दिया दो हिस्सों में, दो हेमिस्फेयर हो गए, ये एक हेमिस्फेयर है और इसके नीचे ये दूसरा हेमिस्फेयर है, ठीक। तो एक पॉइंट आपने इस हेमिस्फेयर के नीचे लिया बिल्कुल इस सर्कुलर प्लेन पे, और एग्जैक्टली एक पॉइंट एग्जैक्टली इसके साथ ही लिया इस पॉइंट पर, ठीक। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो भी ई की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो ई की वैल्यू होगी हेमिस्फेयर की, होगी तो इक्वल ऑब्वियसली, वो भी सेम ही तो है, ऊपर मास तो यूनिफॉर्म था तो मास तो ऊपर नीचे सेम ही होगा। तो आपको ये बताना है कि ई ए की वैल्यू जस्टिफाई कर सकते हो इस बात को, ई बी के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। क्वेश्चन है, जब मैं इसको हेमिस्फेयर को कट कर दूंगा तो मुझे ये बताना है, मुझे बताना है कि ऐसा क्यों होगा कि ई ए और ई बी में ई ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बी वैक्टर होगा। और आसान तरीका हो सकता है बताने का, और आसान, और आसान, हेमिस्फीयर को जोड़ दो, दोनों को स्फेयर बन जाएगा, स्फेयर के सेंटर पे ई जीरो होता है, तो जब जोड़ोगे तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, नेट आंसर जीरो आ जाएगा। यार कुछ करना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव दिया था किसी कॉम्पिटिशन में कि बताओ ई ए और बी में क्या रिलेशन होगा, समझ में आ रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि आप ठीक कह रहे हो हेमिस्फीयर के हिसाब से ऊपर खींचेगा वो नीचे खींचेगा, नेट आंसर जीरो, बिल्कुल सही है। बट समझ में आ रहा है कि स्फेयर के साथ भी जोड़ सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, सही बोल रहे हो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जांपल कि सपोज देयर इज अ शेल, अब शेल है, प्लीज शेल अंदर से खाली है, और शेल का जो रेडियस है या इस शेल के अंदर इस शेल का जो मास है वो एम है, ये शेल का सेंटर है, इस शेल के अंदर, और हाँ इसका रेडियस कितना है, 4a है, 4a, इस शेल का रेडियस इज 4a, इस शेल के अंदर आपने एक सॉलिड स्फेयर को डाल दिया, ये सॉलिड स्फेयर है, ठीक, जिसका मास एग्जैक्टली सेम है जो शेल का है, मास सॉलिड स्फेयर का और शेल का सेम है, तो ये एक सॉलिड स्फेयर पड़ा हुआ है, इस सॉलिड स्फेयर का जो रेडियस है, रेडियस वो ए है, सॉलिड स्फेयर का जो रेडियस है वो ए है, ए है, ठीक। करें स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि, और हाँ इसका सॉलिड स्फेयर का जो सरकमफ्रेंस है वो शेल के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दिख ही रहा है आपको, सेंटर के साथ ही कोइंसाइड कर रहा है, सेंटर में से पास कर रहा है वो, ठीक। क्वेश्चन है कि इस सॉलिड स्फेयर से, इस सॉलिड स्फेयर से 4a डिस्टेंस दूर, सॉलिड स्फेयर से 4a डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, यू हैव टू कैलकुलेट E की वैल्यू हेयर, आपको E निकालना है, P पॉइंट लिया हमने, वो उसके सेंटर से है, वो 4a इसके सेंटर से है और ये इसके सेंटर से है, तो A तो छोटा है ना, टोटल 5 ही हो सकता है, वो सही कह रहा है, ठीक। डायग्राम हो सकता है उतनी सिमेट्री में ना बना हो, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये इसके सेंटर से है, इसके सेंटर से है,
शेल स्फेयर, स्फेयर का रेडियस वही है 4a, देखते हैं दोनों का कंट्रीब्यूशन लगाया आंसर हाँ जीरो होगा। तो ई जो नेट होगा वो एक शेल की वजह से होगा और एक सॉलिड स्फेयर की वजह से होगा, ये तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया। तो ई की वैल्यू शेल की कंट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट शेल के तो अंदर है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, ये तो करेगा ही नहीं। सॉलिड स्फेयर से पूछें, क्योंकि सॉलिड स्फेयर से इसका डिस्टेंस कितना है 4a, तो सॉलिड स्फेयर का मास कितना है m डिवाइडेड बाय 4a का, सही है आंसर आ गया। ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नहीं, एचसी वर्मा के क्वेश्चन में नहीं आने वाले, तो इससे भी साना जाता है, ग्राफ भी आ जाता है, बोला उससे उससे नीचे क्या करो। हाँ वैष्णव जी आया था, बहुत बार आता है यार वो पता। ये कैसा रिलेशन है, तो रिलेशन नहीं है, होता ही नहीं इनवर्सली यूनिवर्सल टू आर, आर स्क्वायर होता है हमेशा, जैसे न्यूटन का लॉ के अगेंस्ट हो गया ना, एफ इज इनवर्सली यूनिवर्सल टू आर स्क्वायर की जगह आर बोल रहे हो आप, नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट, इसी के अंदर एक और पॉइंट है पी डैश एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सरफेस, यहां से ए, फाइंड ई एट दिस पी डैश, शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्फेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। बाहर है पी डैश, अब ये पी डैश जो पॉइंट है ये दोनों स्फेयर से या शेल से बाहर है, तो पहले शेल से देखें, शेल के, शेल का ये सेंटर है, शेल के सेंटर से ये डिस्टेंस तो पक्की बात है कितना आने वाला है 4a, 4a प्लस a कितना हो गया, तो g मास ऑफ शेल डिवाइडेड बाय 5a का, ठीक हो गया। अब सॉलिड स्फेयर देखें, सॉलिड स्फेयर से ये जो डिस्टेंस है, देखो सेंटर से ये डिस्टेंस तो 4a है, सॉलिड स्फेयर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस 4a 5a, 5a प्लस a 6a, तो g इंटू m डिवाइडेड बाय 6a का आंसर। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे करने है? ठीक, डाउट है भैया, डाउट है तो का पूछो। इसका m है, टोटल का भी m है, टोटल लेना चाहिए था, नहीं मैं क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग ले रहा हूं ना, मैं टोटल बॉडी को कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि एक शेल है और एक स्फेयर है, दोनों में फॉर्मूलाज का डिफरेंस है। हाँ ऐसा करना है तो कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस क्योंकि दोनों के सेंटर्स का सेम नहीं है, अगर डिस्टेंस सेम होता फिर भी सोच सकते थे, एक का 5a एक का 6a, तो अलग अलग करना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अलग अलग कर रहे हो तो मास भी अलग अलग लेने पड़ेंगे, इकट्ठा मास ही लेना फिर आपने। ठीक, नेक्स्ट है, सपोज देयर इज अ शेल, ऑफ मास m एंड रेडियस r, सपोज देयर इज अ सॉलिड स्फेयर इसके बॉटम पे पड़ा हुआ है जिसका मास इज स्मॉल m एंड रेडियस इज स्मॉल r। ठीक, सॉलिड स्फेयर है, दिस इज
सॉलिड स्फेयर, ठीक। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये दोनों के सेंटर्स हैं, ठीक, दोनों के सेंटर्स हैं। ठीक है, कोई पॉइंट मास एम डैश, एम डैश इज अ पॉइंट मास, तीसरा मास है पॉइंट मास, जो कहीं पर भी इनके सेंटर्स के बीच में मुझे रखना है, इनके बीच में कोई पॉइंट मास रखूंगा मैं एम डैश, कहां रखूंगा मैं अभी बताऊंगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्फीयर एंड शेल, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो अ पॉइंट मास एम डैश इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक, मैं एम डैश रखूंगा इस कहीं पर भी इनके सेंटर्स के बीच में, लेकिन डिस्टेंस कहां से लूंगा, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लूंगा, ठीक, रेफरेंस पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। क्वेश्चन में कहा क्योंकि सेंटर पे रखना है, नहीं नहीं रखना इनके बीच में है, मान लो यहां रखा, आप पूछोगे सर ये डिस्टेंस कितना है, मैं पूछूंगा कहां से, यहां से बताऊं, यहां से बताऊं कि कहां से बताऊं, आप बोलो यहां से बताओ, रखना इस रेड लाइन के बीच में ही है, लेकिन डिस्टेंस लेने रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट यहां से आपको निकालना है फोर्स ऑन एम डैश पॉइंट मास ड्यू टू स्फेयर एंड शेल, स्फेयर और शेल की वजह से, पहला पार्ट व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर लेस देन टू आर, एक्स मार्क तुम करोगे, वही तो कर दिया फिर तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन आर लेस देन टू आर लो, वो आप देखो जहां पर होगा बीच में कहीं पर भी, बीच में ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू नहीं है, कहीं पर भी ले लो, नहीं पॉइंट मार्क्स करो, एक्स की फॉर्म में आंसर आएगा, देखो इसमें पहली बात तो उसने पॉइंट क्या कहा, आर से बड़ा, सेंटर से आर से बड़ा, टू आर से छोटा, ये टू आर है इसे छोटा, तो कोई भी पॉइंट यहां ले लें, तो ये डिस्टेंस कितना लेंगे एक्स, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा एक्स माइनस आर, स्फीयर के सेंटर से एक्स माइनस आर आ गया, ठीक। अच्छा अब ये बताओ, ये जो पॉइंट आपने लिया, यहां पर आपको फोर्स निकालनी है, फोर्स का मतलब आपको ई निकालना है, एक ही बात है, ई निकलेगा तो फोर्स भी आ जाएगी,
तो अगर मैं ई निकाल दूं यहां पे, उसको मल्टीप्लाई बाय एम डैश कर देना, फोर्स आ जाएगी, एक ही बात है। तो ये बताओ शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर क्या होगा? जीरो होगा ही नहीं, अकेला कौन लगाएगा ई यहां पे, या फोर्स कौन लगाएगा? सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर के लिए अगर फिर से एक डायग्राम बनाएं, ये सॉलिड स्फेयर है, इस सॉलिड स्फेयर से ये सेंटर से, इसके सेंटर से आर माइनस एक्स दूरी पे, नहीं एक्स माइनस आर, एक्स माइनस आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है? ई। ई आ जाएगा तो फोर्स क्या होगा? एम डैश इंटू ई, किया था हमने क्लास में, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स आएगी। अब ई निकाल लें, इसका एक सर्कल ड्रॉ कर लें यहाँ पे, अभी तो पुराना क्वेश्चन हो गया अभी कर रहे थे जो। अब आपको मास सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेना है? इनसाइड वाला लेना है बस, और जिसमें रेडियस कितना है? एक्स माइनस आर। तो इसका मास होगा क्या? अगर इसका वॉल्यूम 4/3 π r³ है तो मास एम है, तो एम डिवाइडेड बाई 4/3 π r³ है, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम कंसिडरेशन का है वो 4/3 x - r³ है, तो यहां पर क्या आएगा? एम 4/3 π r³ × 4/3 x - r³। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी एम डैश की? एम डिवाइडेड बाई आर का क्यूब इंटू एक्स माइनस आर का होल क्यूब। मेरे को अब इसका मास लेना है ना अंदर वाले का, सेंटर से डिस्टेंस देंगे ना आपने, तो आप किसी भी स्फेयर का डिस्टेंस सेंटर से देखोगे ना, बॉटम से क्यों देखोगे? वो रेफरेंस पॉइंट बॉटम ले रहे हैं तो लेने दो। मैंने तो ये डायग्राम ये बनाया है, ये वाला ब्लू वाला, ब्लू के भी अंदर डायग्राम बनाया है, ये वाला ऐसे, ये डायग्राम है, ठीक है ना? तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। चलो मैंने आपको जो डायग्राम बनाया है वो ये बनाया है, दैट इज किसका? सॉलिड स्फेयर का। शेल का तो कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है ना, सॉलिड स्फेयर के अंदर चले गए हम, ठीक है? तो मास एम डैश आ गया, तो ई की वैल्यू क्या होगी? जी एम डैश डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है? रेडियस का एक्स माइनस आर है, एम डैश की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो यू विल गेट जी इंटू एम डैश एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू एम, अच्छा एम डैश की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, एम डैश की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, एम बाय कैपिटल आर का क्यूब इंटू एक्स माइनस आर का होल क्यूब। तो आपके पास ई की क्या वैल्यू आ गई इसमें? जी एम एक्स माइनस आर बाई कैपिटल आर का क्यूब। तो फोर्स इसमें क्या होगी? एम डैश इंटू ई, ई की वैल्यू पुट करके एम डैश फोर्स आ गई। सारी गेम ई की है, और सॉलिड स्फेयर के अंदर ई कैसे निकलता है हम आज के लेक्चर में यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कैसे किया? बी पार्ट, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2 r लेस देन 2 R। तो ये बोलो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? अब ये पॉइंट यहां तो लाई नहीं करेगा, तो इसको तो मिटा रहा हूं मैं, ठीक? तो यहां से ऐसे ले लें एक्सिस्टेंस, क्योंकि उसने ग्रेटर देन 2 r का, 2 r के बाहर तो ये वाला पॉइंट हो गया, स्टार्ट हो गया,
और लेस देन कैपिटल टू आर कहीं पर भी यहां पर ले लेते हैं, ठीक, एक्स हो गया, ठीक है यहां तक। अब मेरे को पता है कि ये डिस्टेंस जो है इसका सेंटर अगर सी है तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ये ऐसे करते हैं, इसके सेंटर से बॉटम मोस्ट डिस्टेंस कितना है, आर है, तो इसके सेंटर से, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स जो है वो तो बॉटम से है और हमें स्फीयर के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है जहां मैंने एम डैश को रखा, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस आर। समझ में आ रहा है ना कैसे, तो ये अगर आर है ये एक्स है तो एक्स माइनस आर ये आ गया। अब यहां पर भी शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, स्फेयर ही लगाएगा यहां पे। अब सॉलिड स्फेयर के लिए ये पॉइंट बाहर है तो सॉलिड स्फेयर, सिर्फ सॉलिड स्फेयर ही ई लगाएगा, शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन तो जीरो है इसमें, सॉलिड स्फेयर ये रहा, सॉलिड स्फेयर का मास कितना है एम, तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, दिस इज सॉलिड स्फेयर, मैं फिर से बना रहा हूं, दिस इज सॉलिड स्फेयर ऑफ मास एम और इसके एक्स माइनस आर दूरी पे अगर आपको ई निकालना है, अब ये पॉइंट तो आउटसाइड हो गया ना, आउटसाइड का फॉर्मूला वैसे ही सिंपल है, जी इंटू मास एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर का होल, बस। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी अगर एम डैश यहां पर रखा जाएगा, तो एम डैश इंटू कितना ई, ई पुट कर दो आंसर। तो मेरे ख्याल से पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है इसमें, टू आर नहीं, ये बॉटम से आर है सेंटर, बॉटम से ये एक्स है तो सेंटर से एक्स माइनस आर है, ना ना वो तो ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट लेना है ना आपने जहां एम डैश रखना है वो टू आर से बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि इन यहां कहीं होना चाहिए टू आर से बड़ा डिस्टेंस और कैपिटल टू आर से छोटा, तो ये कैपिटल टू आर है उससे छोटा, कहीं पर भी यहां लाए करेगा, यहां पे कहीं पे, तो मैंने कहीं भी लाए कर लिया, तो इसका कोई न्यूमेरिकल में लेना देना नहीं है, न्यूमेरिकल तो एक्स के फॉर्म में आएगा, ये मास ऑफ, हाँ ये मास ऑफ जो भी स्फीयर है, मास ऑफ स्फीयर अगर एम है तो एम। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं इसमें, सपोज अर्थ टनल इस बार डायमीटर के क्रॉस है, तो एक टनल है विच इज अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका रेडियस आर है, अर्थ का मास एम है, तो बताओ जो एक बॉल को जब मैं रिलीज करूंगा और वो बॉल जब यहां पर आ चुकी होगी फ्रॉम सेंटर सच दैट उसका डिस्टेंस सेंटर से जब एक्स होगा, बॉल का मास है एम डैश, तो आपको बताना है बॉल के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, जब भी फोर्स निकालनी है तो इस पॉइंट का क्या निकालना है पहले ई, और ई को मास से एम डैश से मल्टीप्लाई फोर्स आ जाएगी, ठीक। तो इसका ई निकालने के लिए ये पोर्शन ही कंसिडर करेंगे, बाहर वाला कंसिडर ही नहीं करेंगे, सही है, और यहां पर ई निकालने का तरीका, वैसे तो आप जी डैश भी निकाल सकते थे, एम जी डैश वो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो, चलो ई निकाल लो, तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, मास एम डबल डैश, जो भी शेडेड पोर्शन उसका मास एम डबल डैश है सपोज, तो इसका मास निकाल लेते हैं कि अगर वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है तो मास एम है, 1 है तो m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है, और अगर 4/3 पाई x क्यूब है 4 बाय, तो m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई x क्यूब, तो कैंसिल होते हुए क्या आ जाएगा m डबल डैश, जो जो कि आएगा m x क्यूब बाई R का क्यूब, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो यहां पर मास एम डबल डैश आ गया, तो यहां पर ई क्या होगा, जी एम डबल डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इसका एक्स, वही क्वेश्चन कर रहा हूं, एक्स के अंदर जाके ई कैसे निकालते हैं, सेम ही तो क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक। तो इसमें एम डबल डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जी बाय एक्स स्क्वायर, एम डबल डैश की वैल्यू है एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, तो ई इज इक्वल टू जी एम इंटू एक्स बाय आर का क्यूब। हमने एक रिजल्ट भी किया था, आपको याद होगा जब मैंने हैंड रिटन दिया था बुकलेट के अंदर, कि जो अर्थ के अंदर जाते हो तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, देखो हर केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही आ रहा है, इसका प्रूफ भी हो गया। हाँ ये खाली है,
निगलेक्टेड है, बहुत छोटी बॉल, अर्थ के सामने बॉल कुछ भी नहीं है, टनल बहुत छोटी है, वो साइज नहीं लेना उसका, ठीक है। यहाँ तक तो ई आ गया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम डैश इन टू ई, पुट कर दो आंसर। अब लंबा काम है, अभी शुरू कर दिया तो लंबा हो जाएगा, तो अभी जो काम है वो अब अर्थ के अंदर वी कैसे निकलेगा, मैंने बताया ना बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशन है, रिंग लो, रिंग की वजह से निकाल लो, बहुत मतलब अच्छी खासी कैलकुलेशन है, तो एक लेक्चर पूरा लगेगा। एच सी की जो लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें उसके प्रूफ गिवन है, वो प्रूफ जो पढ़ रहे हैं वो प्रूफ मैं करवाऊंगा, आपको एच सी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, वो थ्योरी पूरी की पूरी मैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दूंगा। न्यूमेरिकल मैंने कर दिया है, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जैसे वो समझाएगा वो मुझे समझाना है आपको कि प्रूफ कैसे निकालता है वो, तो मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा वो चीज़।